ये है दिल्ली दर्पण। जय श्री राम। अयोध्या की तर्ज पर बनने वाला अशोक विहार में श्री राम मंदिर आज पूरा हुआ है। काफी लंबे अरसे बाद ही सही, लेकिन अशोक विहार वासियों का सपना पूरा हुआ है। मौका है अशोक विहार श्री राम मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का। 50 सालों बाद ही सही आखिर मंदिर पूरा हुआ है, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है? सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सजा दो। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, देश का ये सपना 500 साल बाद पूरा होने की दिशा में बढ़ चला है। यहाँ भी अयोध्या की तर्ज पर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो गया। लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार। मंदिर निर्माण के साथ ही मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी पूरे विधि विधान के साथ समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। 4000 वर्ग गज में बने इस विषय मंदिर को उन आर्किटेक्ट्स ने बनाया है जो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। जाहिर है ये मंदिर कितना भव्य है ये समझा जा सकता है। अशोक विहार जी ब्लॉक में स्थित श्री राम मंदिर निर्माण पूरा होने की खुशी को व्यक्त करने के लिए लोगों के पास शब्द नहीं है। मेरा सभी अशोक विहार की सभी जनता से, सभी भक्तजनों से यही निवेदन है कि ये मंदिर आपका है, सबका। ये समिति कुछ नहीं है, सारा ही अशोक विहार समिति है। सभी से मेरा करवद निवेदन है कि जो चार द्वारे काम है, बाकी काम है, उसमें अपने अपने परिवार से, जैसे एक ईंट एक रुपया महाराजा अग्रसेन का संदेश था, इसी तरह कम से कम एक एक पत्थर इस चार द्वारी में, इस मंदिर में अपने परिवार से लगे तो इसका बड़ा ही सौभाग्य मिलेगा। इसके अंदर हस्तकला का नमूना जो आपको हो, चाहे सोमपुरा मंदिर में हो, चाहे अयोध्या के अंदर मंदिर में हो, उन मूर्तियों का नक्काशी का जो काम आपको मिलेगा वो अन्य कहीं मंदिरों में नहीं मिलेगा। इसकी यह खूबसूरती है, चारों दिशाओं से 16 तरह से इसके अंदर प्रकाश आएगा। जिस हम जमीन पे खड़े हैं, 30 फुट नीचे इसमें गहराई हुई है, पक्के पत्थर लग करके इसकी नींव भरी गई है। इतना वजन इसका पत्थरों का है, वह सब पत्थर को बियर वाल जो है वो सब पत्थरों की है। अशोक विहार के लिए सचमुच ये मौका ऐतिहासिक है। 5 दशक के लंबे इंतजार के बाद ये मंदिर बना, इसके लिए मंदिर कमेटी बेहद खुश है। मंदिर प्रधान गोपाल गोयल, महामंत्री अशोक बंसल, डीआर बंसल, रवि गुप्ता, सीएल सेठी, चंद्रगुप्त, पवन कुमार, अमित सिंह माल्यान, राकेश गुप्ता और श्री आरपी गुप्ता सहित मंदिर कमेटी से जुड़े लोग और भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा समस्त जे ब्लॉक में घूमते हुए मंदिर तक पहुंची और महिलाओं में भी खासा उत्साह दिखा। सभी बहुत भावुक नजर आ रहे थे। बात केवल भक्ति भावना की ही नहीं, बल्कि एक सपने के पूरा होने की है। क्या है भक्तों की भावना और क्या है इस मंदिर की विशेषता, दिल्ली दर्पण टीवी ने इस पर लोगों और मंदिर कमेटी से बात की। ये एक ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ और यहाँ का राम मंदिर जो है पूर्ण स्वरूप ले गया। ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि आज देव उठानी एकादशी के दिन अशोक विहार पे एक असीम कृपा हुई है। पूरे अशोक विहार निवासियों का एक सपना था कि ये मंदिर जल्दी से बनके कंप्लीट हो। इसमें सब लोगों की एक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उस भावना के नाते आज ईश्वर ने ऐसी कृपा करी है कि अशोक विहार और तरक्की करेगा दिन पर दिन। और बहुत लोगों की मेहनत है इस मंदिर को बनाने में, और 50 साल का जो समय लगा है ना, वो एक देखने योग्य चीज़ बनेगी। ये मंदिर जो है ना बहुत ऐतिहासिक रहेगा। सब लोगों ने इसको बड़ी लगन से बनाया है और मेहनत की है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों की आस थी, सालों की आस थी, क्योंकि मैं कह रहा था जब मैं 75 में अशोक विहार में आए, मेरी उम्र उस समय 8 साल रही होगी, अब 55 साल है, तब से देख रहे थे कि मंदिर। लेकिन मेरे बड़े भैया हैं गोपाल जी, ये मंदिर के अध्यक्ष हैं, कुछ साल पहले इन्होंने और इनकी टीम ने
ये तय किया कि नहीं ये लोगों की आस पूरी करेंगे और आज वो दिन आया, सौभाग्य का दिन है। इस ऐतिहासिक मौके पर अशोक विहार के गणमान्य लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। इनमें स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता, जोन चेयरपर्सन योगेश वर्मा, नॉर्थ एमसीडी में नेता विपक्ष विकास गोयल, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, हर पार्टी से जुड़े प्रमुख स्थानीय लोग शामिल थे। सभी ने इस मंदिर को ऐतिहासिक ही नहीं दर्शनीय भी बताया। उम्मीद जाहिर की कि अब ये मंदिर अशोक विहार की पहचान होगा। आज अशोक विहार निवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है और आज बड़ा अच्छा दिन है। देवउठनी गैस है जो बड़े शुभ मानी जाती है हिंदू धर्म में, और आज के दिन अपने मंदिर का ये आज मूर्ति स्थापना हुई है, तो पूरे अशोक विहार के निवासियों को, पूरी दिल्ली के निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा शुभ दिन आज हम इस दिन को देख पाए। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर, रामलीला जी का मंदिर बन रहा है, और यहाँ पे आज मूर्ति स्थापना हुई है, तो सबको बधाई और बहुत अच्छा और सौभाग्य का दिन है। इतना सुंदर आप मंदिर आप देख रहे हैं, ये वर्षों की मेहनत है यहाँ की कार्यकारिणी की, सभी सदस्यों की, जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर का रूप, भगवान का रूप तो हमेशा सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसको निखारने वाले भी अगर अच्छे हो जाएं तो देख रहे हैं कितना सुंदर स्वरूप निकल कर आया है। मैं बधाई देता हूँ सभी प्रबंधकों को इसको, कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है, हम सब मिलकर इसको अच्छा मंदिर बनाकर इस क्षेत्र के अंदर जो एक पहचान बनकर उभरेगी, मैं इसकी कामना करता हूँ। बहुत अच्छा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज मंदिर की करी गई है, और मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में अगर कहा जाए तो ऐसी शोभा होगी कि बहुत अच्छा ये मंदिर बनाया है और एक बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर। अभी चार दिन पहले भी कलश यात्रा जब निकाली गई थी उसमें भी बहुत अच्छा लोगों में जिज्ञासा थी, और आज भी एक धार्मिक जो काम जो हो रहा है यहाँ पर, और जिस तरह से मंदिर की स्थापना की गई है, अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं सभी मंदिर के प्रबंधकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस अवसर। अशोक विहार इलाका अपने धार्मिक स्वभाव के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोग इसे धर्म नगरी भी कहते हैं। कई बड़े बड़े मंदिर अशोक विहार की पहचान है, लेकिन अब अशोक विहार का ये भव्य श्री राम मंदिर अशोक विहार ही नहीं समस्त दिल्ली की पहचान होगा। इसकी भव्यता, इसका इतिहास और इसका महत्व समस्त भक्तों को आकर्षित करेगा। कैमरा पर्सन सोनू और जूही तोमर के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर